जो साइट अगर हम ऑक्शन में लेते हैं तो उसका एक एडवांटेज हमें ये होता है तगड़ा कि उसका DADR अगर 25 या 30 प्लस या 30 भी एटलीस्ट हो तो उसकी ट्रैफिक से हमें वो साइट जो है अलाउ में आ जाती है कि हम उस साइट पे गेस्ट पोस्टिंग अलाउ कर रहे हैं, तो ये हमें एक एडवांटेज मिल जाता है ठीक एट है द स्पॉट, ठीक है। और फिर हम उसी के ऊपर वर्किंग करके उसको मजीद बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्रेश डोमेन लेते हैं तो उस पे ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रैफिक आ सकती है आ ना सकती है उस उस पे भी, 1 महीने के अंदर आ सकती है, 1 महीने के अंदर। क्या केस में डिपेंड करता है कि आपने नीच कौन सी सेलेक्ट की है। तो नीश में अगर मोस्टली एक हम बात करता हूँ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ क्योंकि ये रिलेट कर रही है बहुत ज़्यादा। आपने जो ओल्ड डोमेन लेनी है उस पे भी आपके 2-3 महीने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ऑलरेडी उस पर ट्रैफिक आ रही है, वो पता नहीं कब से ओल्ड पड़ी है, उस पर ट्रैफिक तो ज़ीरो होगी फिलहाल। उस पर भी आपने वर्किंग करनी है, उसको भी गूगल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्रॉल करेगा, लेकिन उसकी स्पीड कई गुना बेहतर होगी क्रॉलिंग की, यानी कि रैंकिंग लेने की बनिस्बत के न्यू वेबसाइट की। न्यू कैसे ऊपर आ सकती है? आपने निश ऐसी फाइंड कर ली है, इवेंट ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपकी रैंकिंग टॉप पे चली गई है, मिलियंस में ट्रैफिक आएगी US की, और एक इवेंट से आप $10,000 $50,000 निकाल सकते हैं, निकाल ये सकते रेयर हैं। केसेस में है, यानी कि तो सर एक्सट्रीम लेवल पे। इसमें ये जो कह रहा है ना ट्रैफिक, मतलब उसमें देखनी है हमें ट्रैफिक, आप कह रहे हैं 2 महीने लगेंगे जबकि वो ट्रैफिक दे के बाय करना चाह रहे हैं, तो ये जब ट्रैफिक दिखाते हैं ये हमारे टूल्स जो हैं तो वो राइट टाइम के दिखाते हैं, रियल टाइम मतलब कितना। लास्ट मंथ की नॉर्मली एक्सटेंडर रखा हुआ है ना जो, अच्छा वो लास्ट मंथ की होती है, अच्छा लास्ट मंथ लास्ट की, 30 डेज की, ओके। रीसेंट लास्ट 30 डेज की। तो सर इसमें बेसिकली जो नीश है, निच या नीश दोनों ही बोलते हैं, उसमें अगर हम एक कॉमन लें तो कॉमन में एक जर्नल आती है जिसमें हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं, या एक स्पेसिफिक लें तो उसमें ज़रा कंपटीशन कम जो है होगा। वो कम मैं होगा। रिकमेंड करूंगा कि आप कॉमन की तरफ ना जाएं, उसकी वजह यह है जो कॉमन होती है उसके लिए पूरे बड़े लेवल की आपको टीम चाहिए होती है, यानी कि देखें ना आप जेनेरिक निश ले लेते हैं कुछ जर्नल जिसमें हेल्थ भी आ रहा है फाइनेंस भी आ रहा है, वो वाले बंदे मार खाते हैं ज़्यादातर केसेस में, समझिए बात की, क्योंकि आप तो एक ही हैं या दो होंगे 3 लोग होंगे जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप निश ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ना आपने अपनी मैन पावर भी तो देखनी है ना, कि आप देखें अब जर्नल में आप चले जाते हैं, जर्नल में आपको बहुत बड़े कंपटीशन से टक्कर ले रहे हैं, उस पर टक्कर लेने के लिए फिर आपको पीछे बैकअप भी ऐसा चाहिए, या तो आपके लाखों डॉलर स्पेंड हो रहे हो पीछे, या फिर आपके पास बहुत ही हाई फाई क्वालिटी वाली टीम हो। तो ये जी चीज़ें आपने अपने रिसोर्स देखने हैं, रिसोर्स समझते हैं, आपने रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। जी लाइक एक सर, चीज़ है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये रख ही नहीं सकता, खुदा ना खास्ता मेरे पास वो ऑप्शन यानी कि अबिलिटी नहीं है, अबिलिटी ख्वाहिश मेरी ये है कि मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक उठाना उठा के रखना है, लेकिन मेरे पास रिसोर्स नहीं है, बाजू नहीं है फॉर एग्जाम्पल, या मेरे पास इतनी हिम्मत ही नहीं है, तो मुझे ये ख्वाहिश ही पैदा नहीं अपने जहन में करनी चाहिए, या इसको अपना टारगेट ही नहीं रखना चाहिए, इसको अपना लाइन अलाइन लाइन में ही नहीं रखना चाहिए, अपना रोड मैप ही नहीं बनाना चाहिए, आपने ये चीज़ों का एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना ये है। बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और हर फील्ड के अंदर जैसे मैंने आपकी टाइमिंग से बात स्टार्ट की थी, वो इसीलिए की थी कि देखिए मैं बता दूं ये करें 10-10 घंटे डेली के लगाएं, 10 घंटे हो ही ना तो कहाँ से लगाएंगे, लैपटॉप पे ये करें आप, लैपटॉप ही नहीं है तो कैसे करेंगे, जी बिल्कुल ये चीज़ें सारे आपने एनालिसिस करके देखनी है, बड़ी कंपनी के साथ टक्कर नहीं लेनी, जेनेरिक में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है। और सर इसी में अगर हम शॉर्ट काम ये कर लें कि आथर एक्सेस या सेल्फ आथर्स हम वो कर परचेज सकते हैं, कर आप गेस्ट लें पोस्टिंग बेसिकली टारगेट करना चाह रहे हैं, तो वो अगर कर लें। नहीं आप गेस्ट पोस्टिंग टारगेट करना चाह रहे हैं, जी देखें आपको वो रिकमेंड मैं वही करूंगा जो हम कर रहे हैं, आप ऑर्डर लें पहले, आपको वेंडर मिल जाएगा, फेसबुक पे लाखों लोग पड़े हुए हैं जो आपको कहेंगे ये हमारी ले लें हमारी ले लें, आप थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चलें, गेस्ट पोस्टिंग अगर बेचनी है ना आप इस टेंशन में ना रख रहे, सबसे बड़ी टेंशन अब जो है ना अब मार्केट की वो ये नहीं है कि अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी कुछ चीज़ों की जो है वो उस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन वो कौन सी है मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी आप ये समझें कि सबसे पहले जो अवेलेबिलिटी बनाना है ना वो क्लाइंट अवेलेबल बनाना। जी फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट आ जाता है आपके पास, आप फेसबुक पे पोस्ट करें, ग्रुप्स में जाएं, इधर उधर आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएंगे, आप लिखें गेस्ट पोस्टिंग व्हाट्सएप ग्रुप लिखें गूगल के ऊपर, आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन कर लें, आप गेस्ट पोस्टिंग फेसबुक पे लिखें ग्रुप्स आ जाएंगे, उनको ज्वाइन कर लें, क्लाइंट आ गया, उन 4-5 ग्रुपों में आपने पोस्ट कर दिया,